नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में राजधानी में 4,291 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 34 लोगों की मौत हुई है। गुरुवार को कोरोना के मामलों में तेज गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में राजधानी में कोरोना संक्रमण के 4,291 नए मामले सामने आए हैं, जो कि एक दिन पहले की तुलना में करीब 42% कम है। आपको बता दें कि बुधवार को दिल्ली में कोरोना के 7,498 नए मरीज मिले थे। राहत की बात यह है कि अब संक्रमण दर 10% से भी नीचे चला गया है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 9.56% पर पहुंच गया है, जो कि एक दिन पहले 10.5% थी। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से 34 मरीजों की मौत हुई है, जो कि बुधवार की तुलना में 5 ज्यादा है। बुधवार को 29 मरीजों की जान कोरोना वायरस की वजह से गई थी। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 9,397 मरीज कोरोना को मात देकर ठीक हुए हैं। अब दिल्ली में एक्टिव केस की संख्या फिलहाल 33,175 हो गई है, जिसमें से 26,812 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। वहीं प्रदेश में कंटेनमेंट जोन की कुल संख्या 42,388 हो गई है। दिल्ली में कोरोना के कम होते मामलों की वजह से अब कई पाबंदियां भी हटा ली गई हैं। वीकेंड कर्फ्यू दिल्ली से हटा लिया गया है और 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत दे दी गई है। इसके अलावा राजधानी के दुकानदारों को भी बड़ी राहत मिल गई है। दिल्ली में बाजारों को पहले ऑड इवन के तहत खोला जा रहा था, लेकिन अब इसे हटा लिया गया है। अब हर दिन सभी दुकानें खुल सकेंगी। वहीं रेस्टोरेंट्स को सिर्फ होम डिलीवरी के लिए खोलने की इजाजत है, लेकिन कम होते मामलों को देखते हुए यहां भी राहत दे दी गई है। शादियों में मेहमानों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। अब 15 मेहमानों की जगह अब 200 मेहमान शादी में शिरकत कर सकेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।